ख्वाबों की ताबीर की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ख्वाब में सांप देखने की क्या ताबीर हो सकती है। व्यूवर्स, अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में आप सांप देख रहे हैं, तो इसके जो दलाइल सामने आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ख्वाब में सांप देखना जाबिर बादशाह या आग की अलामत होती है। मरीज का ख्वाब में सांप देखना इसकी मौत पर दलील करता है। ख्वाब में अगर कोई औरत अपने आप को सांप जंती देखे तो दलील है कि इसके यहाँ अपाहिज बच्चा पैदा होगा, इसलिए कि सांप जमीन पर रेंगकर चलता है। किसी ने देखा कि सांप इसको खींचकर दरिया की तरफ ले जा रहा है तो दलील है कि हुकूमत वक्त की तरफ से इसको सजा मिलेगी, या ताबीर है कि अल्लाह ताला की तरफ से या किसी रईस की तरफ से इस पर अजाब मुसल्लत होगा। किसी ने देखा कि वो सांप बन गया तो दलील है कि वो लंबी उम्र पाएगा और ताकत हासिल करेगा। ख्वाब में सांप का गोश्त खाना बादशाह की तरफ से माल मिलने की दलील है। कभी इसकी रोयत तूले जबान से भी की जाती है। किसी ने देखा कि सांप कोई नुकसान पहुंचाए बगैर इसकी तरफ चला आ रहा है, या देखा कि सांप इससे साफ साफ कलाम कर रहा है, तो ये खैर कसीर की दलील है। किसी ने ख्वाब देखा सांप की शक्ल बदल गई है और वो मर्द बन गया है तो जन्नात की तरफ इशारा है, और अगर सांप औरत बन गया तो मोनस जिन्नात की फौज की अलामत है, या इसकी ताबीर ऐसा दुश्मन है जो अपनी दुश्मनी छुपा रहा है। किसी ने देखा कि सांप के तीन या चार या पांच या छह या सात सर हैं तो हर सर के बदले एक मुसीबत और फितना से वास्ता, और सरा अगर सात होकर पहुंच गया तो दुश्मन की ऐसे शर व आफत की दलील है जिसका मुकाबला न होगा। किसी ने देखा कि वो सांप का मालिक बन गया है तो दलील है कि साहिब ख्वाब किसी कम अकल आदमी पर कामयाबी हासिल करेगा। अगर हमला औरत ख्वाब दिखे वो सांप जना है तो इसकी ताबीर है कि इसके यहाँ फसीहुल लिसान खतीब बेटा पैदा होगा जो दो नामों से मारूफ होगा, या फिर ये ताबीर है कि इसके यहाँ जादूगर या काहन या शरीर फासिक या चोर बेटा पैदा होगा। शुक्रिया।